इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमने पहला जो प्रीवियस लेक्चर है L1, उसमें हमने एक डेमोंस्ट्रेट किया था, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो उसमें हमारे पास एक प्लास्टिक की कॉम थी, और एक नायलोन का क्लॉथ, और एक पॉलीथीन शीट, और कुछ जो पेपर के पीस थे। तो हमने पहले उसको, जब हम जो न्यूट्रल जो केस था, जब हमने उसको रब नहीं किया था, यानी अगर कॉम को लेके चलते हैं तो कॉम को और नायलॉन को जब रब नहीं किया था, तो वो जब जो न्यूट्रल जो केस है, जो पीस ऑफ पेपर थे, वो कोई अटैक नहीं कर रहा था। तो कहने का मतलब है, रब करने से पहले सारे के सारे न्यूट्रल थे, किसी पर कोई चार्ज नहीं था, सबका चार्ज जो नेट चार्ज है वो जीरो है नॉर्मल कंडीशन में। पर रब करने के बाद जब कॉम को हमने रब किया, प्लास्टिक कॉम को रब किया नायलॉन शीट से, नायलॉन क्लॉथ से, तो उसके बाद उसमें कुछ प्रॉपर्टी इस तरह की आई कि वो उसको अटैक करने लगा। तो ये जो फिनोमिना है कि किस तरह जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसको अट्रैक्ट कर रहा है, या रिपल कर रहा है, या पुश कर रहा है, या पुल कर रहा है, तो ये जो फिनोमिना जो चेंज हुआ है ना, जो फिनोमिनल चेंज है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और यही जो इस तरह का जो इस तरह का अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी है, तो डिस्चार्ज भी उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जो फिनोमिनल जो एक तरह से इंसिडेंट है, तो उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और बेसिकली ये जो जो फिनोमिना है, ये सब इंसुलेटर, जो जो बेसिकली इंसुलेटर में हमारे पास तीन तरह के मटेरियल हैं। इंसुलेटर है, कंडक्टर है, और एक हमारे पास सेमीकंडक्टर भी है। तो अभी हमारे पास जो मैटर जो हम डिस्कस करेंगे, इंसुलेटर और कंडक्टर, इसको लेके चलेंगे। तो जो इंसुलेटेड मटेरियल हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो करंट कहीं पास नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक है ना, रबर है, ग्लास है, तो इसमें कोई करंट या इस तरह का जो वो पास नहीं होता है, तो इनको हम इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी जब इंसुलेटर और जब कंडक्टर की हम उनको डिस्कस करेंगे, तब उसमें उसको एक तरह से डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जो फिनोमिना है इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह ये काम करता है। तो ये कॉम वाला मैंने जो एग्ज़ाम्पल है, ये मैंने करके भी दिखाया था। तो ये पिक्चर पहली वाली जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें यहाँ पर शो कर रहे हैं कि एक पीस ऑफ पेपर है, उधर ये रब करने के बाद जो प्लास्टिक का कॉम है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। अब नेगेटिवली चार्ज हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ है, इसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको पहले अभी हम अपने जो एक तरह से इसको समझते हैं, इस फिनोमिना को, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन रेज होंगे और फिर उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अब अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, तो ये बेसिकली जो पीस ऑफ पेपर हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे, पर जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि कॉम जो चार्ज है, इसको रब करने के बाद नायलॉन क्लॉथ से इसको रब किया, तो उसके बाद जब उसके आसपास लाते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है इसको समझेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर है कि ये वेंडेग्राफ जनरेटर है जो इसने होल्ड किया हुआ है, ये लड़की ने होल्ड किया हुआ है वेंडेग्राफ जनरेटर। तो जो वेंडेग्राफ जनरेटर है वो क्या करता है, बेसिकली वो दो ऑब्जेक्ट को रब करता है, और उन चार्ज को, जो चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी समझ लो इतना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो ये इन दोनों को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर या तो नेगेटिव चार्ज है या इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो उसने इस जो गर्ल है ये इंसुलेटेड है, नीचे जो इसको होगा प्लास्टिक वगैरह का कोई स्टूल या कोई शीट होगी, सही है, और इसने इसको होल्ड किया हुआ है, तो इस पे जो है बेसिकली चार्ज है। तो जो ये जो स्फेयर है, तो ये होलो स्फेयर है, और इस पे 20 मेगा वोल्ट तक का चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक, तो अब इसने इसको होल्ड किया हुआ है, तो जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया है इसकी बॉडी में भी, और वो जो हेयर है जो इस तरह दिख रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं, तो ये जो है बेसिकली जो चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हेयर पे भी जो है इक्वली ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अब जो सेम चार्ज है ना, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक,
ठीक है, तो इस डिस्कशन को बाद में करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, उसको बाद में डीपली डिस्कस करेंगे, अभी फिर समझ लेते हैं सिर्फ। तो इस चार्ज को, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो जो बाल हैं, जो इनके हेयर हैं, उन पे सब पे एक कॉमन चार्ज, तो सेम चार्ज वो आ गया है। तो सेम चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो जो हेयर जो उड़ते हुए से लग रहे हैं, वो इस वजह से लग रहे हैं कि जो ये सब चार्ज हैं और सब पे सेम चार्ज है, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक, एक दूसरे को पुश कर रहा है। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर अपोजिट था, ये पुल कर रहा है, जो कॉम्ब वाला केस था, इसमें वो अटैक कर रहा था, एक दूसरे के साथ चिपक रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि सेम चार्ज है। तो ये रिपल्शन का हो गया, और ये, सॉरी, ये अट्रैक्शन का हो गया, और जो ये हेयर वाला है, ये आपका रिपल्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो सेम एग्जाम्पल, ये तो वन डे ग्राफ जनरेटर है ना। और दूसरा है, सेम जो फिनोमिना है वो यहाँ पर, तो ये प्लास्टिक का स्लाइडर है, और काफ़ी बड़ा स्लाइडर है, और ये जो बच्चे हैं, इसने जो क्लोथ पहने हुए हैं, तो ये इस पर स्लाइड कर रहे हैं। तो स्लाइड करने से फ्रिक्शन होगा, तो जैसे हमने फ्रिक्शन किया था, रब किया था प्लास्टिक जो कॉम था उसको हमने नायलॉन क्लॉथ के साथ, उसको रब कर रहे थे। तो ऐसे ही जब ये इस पर स्लाइड करेगी, स्लाइडर पे, तो जो क्लॉथ पहने हुए हैं वो स्लाइड करते हैं, है ना, वो रब करते हैं किसके साथ, जो ये प्लास्टिक का जो बना हुआ है स्लाइडर। ओके, तो प्लास्टिक और जो इनका वुलन क्लॉथ है, या कॉटन क्लॉथ है, या कोई नायलॉन का क्लॉथ है, तो इसी तरह के क्लॉथ होते हैं, तो उस तरह का जब फ्रिक्शन करते हैं, है ना, तो जब ये स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से जो चार्ज है, तो इनकी बॉडी पे एक चार्ज आएगा, एक चार्ज आएगा इस जो प्लास्टिक का जो स्लाइडर है, एक चार्ज इस पे आएगा। तो यहाँ पे भी चार्ज सेपरेट हो रहा है ना। तो चार्ज सेपरेट होने से क्या हो रहा है कि जो इस जो चाइल्ड के जो बॉडी है, इस पे यूनिफॉर्मली एक चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज आने की वजह से जो यहाँ पर सेम, तो हेयर पे भी वो सेम चार्ज आएगा, और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह के इंसिडेंस आपने, अगर आप इस तरह के काफ़ी बड़े स्लाइडर पे आपने कभी देखा हो बच्चे को, क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, पर इसमें कंडीशन ये है कि जो हेयर हैं वो ड्राई होने चाहिए। ओके, और ड्राई होंगे तो इसका मतलब है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे और स्टिकी नहीं होंगे, जैसे कि ऑयल वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें वो इजीली जो ये जो फिनोमिना है, ये अच्छे से क्लियरली, है ना, वो प्रेजेंट होता है। ओके, दूसरा है, यहाँ पर कभी भी अगर हमने, जैसे कि जो कालीन वगैरह रहते हैं घरों में, तो वहाँ पर हम शूज़ पहने हुए हैं हमने, और कालीन पे हम चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का चार्ज, फ्रिक्शन से वो चार्ज जनरेट होता है, तो बॉडी पे एक अलग चार्ज आता है ना। जो रबर के हमारे शू हैं, और जो कालीन जो बिछाया हुआ है नीचे, है ना, उस पर अलग चार्ज आता है। या हम सोफे पे खेल रहे हैं, जो सोफे पे खेल रहे होते हैं, तो जो हमारा क्लॉथ है और जो सोफे का क्लॉथ है, वो एक दूसरे को रब कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बेड पे खेल रहे हैं, तब इस तरह का रब कर रहे हैं, तो एक चार्ज हमारे ऊपर आ जाएगा, एक चार्ज जो है वो सोफे पे रहेगा। सही है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा है उस बात में नहीं जाते हैं, पर अगर कोई दूसरा, कोई पर्सन आता है हमारे पास और उसको हम टच करते हैं, जो न्यूट्रल है या इस तरह का है, तो एक शॉक, एक तरह से स्पार्क टाइप का, मतलब कुछ ऐसा फील होता है कि एक तरह से चिरप की साउंड, है ना, इस तरह का, तो एक शॉक सा हमें लगता है, तो वो आपने एक्सपीरियंस करा होगा। और ये मोस्टली जो ड्राई डे हैं, है ना, ये उस तरह ड्राई डे का मतलब है कि ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी अगर रहती है तो चार्ज जो है वो एयर में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ड्राई डे का मतलब है कि जो ह्यूमिडिटी है वो, उसका लेवल बहुत कम है, और इस तरह से जो चार्ज है वो हमारी बॉडी में, वो जो डिस्चार्ज होता है, वो उसका डिस्चार्ज जो रेट है वो बहुत कम है, तो उस वजह से ज़्यादा देर तक वो जो बॉडी है हमारी एक्युमुलेट करती है चार्ज को, ठीक है। तो अगर उसी दौरान हम कोई नोब, जो इसकी डोर की जो नोब है, इसको अगर हम टच करते हैं, तो कभी कभार स्पार्क फील होता है, ठीक है, शॉक लगता है, तो इस तरह का है। दूसरा हमने देखा है थंडर स्टॉर्म, तो ये लाइटनिंग है, तो थंडर स्टॉर्म, ये लाइटनिंग ये सबने देखी होगी, बिजली गिरते हुए भी सुना होगा, काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आती है,
उस तरह की आवाज़ क्यों आती है और ये ऐसा क्या है जो लाइटनिंग हो रही है ना। तो इसको हम समझेंगे कि ये जो लाइटनिंग है, इस तरह की आवाज़ है, साउंड है, ऊपर से ये बिजली गिरती है नीचे, है ना। तो ये इस तरह का क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जितने भी ये जो फिनोमिना जो हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, इनको जो इनका बेसिकली जितना भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो भी मैटर है वो मिलके बना है एटम से, तो ये जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या जिस तरह के जो अट्रैक्शन और ये रिपल्शन जो फोर्स आ रहे हैं, तो ये जो उसकी स्ट्रक्चर है मैटर की, तो वो बेसिकली जो सबसे यूनिट जो उनका है किसी भी स्ट्रक्चर का, मैटर का, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो है एटम। और उसको एटमिक स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक। तो अभी यहाँ कुछ डेफिनेशन बन के आई हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, तो जो कुछ भी फ्रिक्शन या इस तरह के बाद, कुछ फ्रिक्शन से है या इंडक्शन से है, इस तरह के बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे जो ऑब्जेक्ट की जो बॉडी पे रह जाता है ना, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ऑब्जेक्ट पे है तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये जो भी हो रहा है अट्रैक्शन, रिपल्शन और यहाँ पर जो ये वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जो नोब वाला एक्सपीरियंस है, जैसे आपको शॉक लगा है कोई, आपने किसी की बॉडी को टच किया या आपने नोब को टच किया, तो उस केस में आपने फील किया कि कुछ शॉक जैसा कुछ है, तो ये छोटे लेवल का है, क्योंकि जो हमारी बॉडी पे जो चार्ज है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। वो जो ये थंडर स्टॉर्म का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो अगर इतना चार्ज हमारे पास हो और हम अगर इस तरह टच करें तो लाइटनिंग यहाँ भी आएगी, ठीक है, और आवाज़ भी होती है। तो आवाज़ तो इसमें भी फील होता है कि एक तरह से चिप की साउंड, चिप साउंड जो है इस तरह से आती है कुछ। तो ये बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है कि जो थंडर स्ट्रॉम में और जो हम अगर किसी को टच करते हैं, नोब को टच करते हैं और हमें शोक सा लगता है, तो ये सिर्फ जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है ना। तो नेक्स्ट है फिर हमारी टर्म इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो ये जो अट्रैक्शन है या ये रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक, जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सही है, कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस है, तो उससे क्या बनता है, उससे दो के बीच, दो मटेरियल के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो रिपल्शन है और जो अट्रैक्शन है ये एक फील्ड है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप, अगर आपने इसको रखा हुआ है, सपोज करो आपने इसको चार्ज किया कॉम को, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है जहाँ पर वो उसको अटैक्ट करेगा, ठीक है ना, ऐसी सर्टेन कोई जो डिस्टेंस है जहाँ तक वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिपेल करके उसको, मतलब अर्थ के दो जो एक तरह से पोल हैं वहाँ पर वो इतने दूर ले जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो उसका एक तरह से इंटेंसिटी का हो या उसका एक फील्ड है जहाँ तक वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है जितनी दूरी से या जितनी दूरी तक उसको रिपेल कर सकता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली एक वो डिस्टेंस है जहाँ से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है जो चार्ज ऑब्जेक्ट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो दो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एक दूसरे से है ना जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट। तो इसको अभी यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जो फिनोमिना है ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ये चार्ज क्यों हो रहे हैं, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्यों ये आ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इसको मैं इसको रोकता हूँ। आपको अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और कुछ अगर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो है ना, तो उसको आप कमेंट पे मेंशन करें।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।